हेलो फ्रेंड्स, एम्पावरिंग सोसाइटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आया हूं पर्यावरण का वीडियो। एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र होता है यदि एक प्रदेश के जैव और अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाएं, तो ये रीजन एसर्शन या कथन कारण का प्रश्न है कि एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित कर लिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और पहली बात को दूसरी चीज एक्सप्लेन भी कर रही, तो आंसर होगा ए। उसके अलावा कुछ और प्रश्न भी हैं, उनको भी देख लेते हैं, या पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि बायोम किसको कहते हैं। बायोम का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से बायोम कहते हैं, अथवा सभी पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। बायोम मुख्यतः दो प्रकार से बांटा जाता है, एक होता है स्थली और दूसरा होता है जली। स्थली में भी 5 कैटेगरी होती है, और जली में तो जली होता है, जली में घास और जो है अन्य चीजें आ जाती हैं, उनको अभी हम देखेंगे। पहले बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। हालांकि ये प्रश्न देखा जाए तो ये तो रीजन एसर्शन का लगता है, वो जो है रीजनिंग का लगता है, जिसमें ऑड मैन आउट ढूंढना है। तो इसमें आंसर जो है वो ये, पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, नहीं। अजैविक तत्व है जीवाणु, नहीं, वो जैविक तत्व है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल है। तो आंसर इसका हो गया सी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो कौन सा फैला हुआ, समुद्र। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के 71% जो है भाग में समुद्र का पानी ही फैला है, तो जाहिर सी बात है पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक फैला हुआ क्षेत्र कौन है, सामुद्रिक। इसको आगे हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, अभी आप इसको समझ लीजिए कि प्रश्न कैसे आता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है। तो अब ये देखिए, एक बार लोअर में आया, दूसरी बार PCS में आया, एक साथ मतलब रिपीट किया गया है। अब इसको आगे चलते हैं। ये बायोम का अर्थ हम लोग समझ गए, ये बायोम का चार्ट है। अब इस चार्ट को समझने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, तब इस पे देखते हैं कि ये देखें, बायोम के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, 5 मेजर टाइप्स ऑफ बायोम। वन बायोम या फॉरेस्ट बायोम होता है, इसे बृहद 2 और 6 उपविभागों में बांटा जाता है। लेकिन आप मोटा मोटी बात समझ लीजिए, बायोम जो है फॉरेस्ट बायोम एक प्रकार हुआ, सवाना बायोम दूसरा प्रकार हुआ, यहाँ आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर तीसरा है घास भूमि बायोम, ग्रासलैंड बायोम। फिर तीसरा है डेजर्ट बायोम, यहाँ वनस्पतियों का प्रायः अभाव पाया जाता है। फिर होता है टुंड्रा बायोम, ठीक है। तो ये चीजें हो गई बायोम में। अब देखिए यहाँ पे बायोम में क्या क्या चीजें हैं, हमने जैसे पृथ्वी को जब हम देखते हैं तो पोलर से जो है इक्वेटर तक आते हैं, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन मिलता है। सबसे पहले ध्रुवीय मिलता है, उसके बाद टुंड्रा मिलता है, टुंड्रा के बाद उत्तरी मैदान वन मिलते हैं, और उसके बाद जब और नीचे आते हैं तो मरुस्थल मिलते हैं मैदानी भाग के, और दूसरी तरफ मिलते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन के, और उसके और नीचे आते हैं तो उष्ण मरुस्थल मिलते हैं, सवाना मिलता है, और उष्ण कटिबंधी वर्षा वन मिलते हैं। तो जब इक्वेटर के आसपास आते हैं, जैसे अफ्रीका के आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ से इक्वेटर गुजरती है, वहाँ पे आपको यही तीनों इकोलॉजी मिलेगी, उच्च मरुस्थल का मिलेगा या सवाना मिलेगा या उष्ण कटिबंधी वर्षा वन मिलेंगे, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर चलते हैं तो मरुस्थली शीत होगा और शीतोष्ण पर्णपाती होगा, जैसे रसिया वाली जो रसिया और कनाडा वाला जो एंगल आएगा, उसके और ऊपर उत्तरी वन पहलाए कहेंगे, और टुंड्रा में तो आप जानते ही जो साइबेरिया है, और ध्रुव में तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये बायोम का आप ट्रायंगल समझ गए। अब आगे चलते हैं। एक ये प्रश्न पूछा गया 32 नंबर पे कि कौन सा जीवोम नहीं है या बायोम नहीं है, तो बायोम की परिभाषा बता दिया। अब देखिए, रेगिस्तान, घास स्थल और टुंड्रा, ये तीनों बायोम के पार्ट हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र इसमें नहीं है। ये भी रीजनिंग की ही तरीके से सवाल है कि इसमें ऑड मैन आउट को देखना है। अगर बायोम की परिभाषा आपको आती है तो तुरंत आप क्लासिफाइड कर देंगे कि ऑड मैन आउट में पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, बाकी सब चीजें बायोम में शामिल हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है और ये 2003 में रिपीट किया गया है, यानी कि प्रश्न वही आते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय या सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी के 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है और सर्वाधिक स्थायी भी है, क्योंकि बहुत गहरे समुद्र में अभी मानवीय गतिविधियां नहीं आती हैं, तो इस तरीके का भी प्रश्न बना दिया जाता है। फिर वही चीज़ जो है 2006 में बीयू में पूछ लिया गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, सागर है। ये तो इनको कंसेप्ट को आपको समझना है, जैसे जैसे कंसेप्ट समझते जाएंगे प्रश्न को जो है क्लियर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और कॉन्फिडेंट भी रहेंगे कि हाँ हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है। तो आगे चलते हैं, कंसेप्ट को देखते हैं। अब एक प्रश्न है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। बिल्कुल सही बात है, कथन कारण दोनों सही है और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आंसर होगा ए। आप सतत विकास को समझ लीजिए, सतत विकास से हमारा अभिप्राय एक ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब इसको देखिए आगे, भारतीयों के लिए पर्यावरण संरक्षण जो सतत विकास का अभिन्न अंग है, कोई नई अवधारणा नहीं है। भारत में प्रकृति और वन्य जीवों का संरक्षण अगाध आस्था की बात है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिबिंबित होता है और पौराणिक गाथाओं, लोक कथाओं, धर्मों, कलाओं और संस्कृतियों में वर्णन भी है। अब आगे देखते हैं प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा से स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होता है? तो ऊर्जा की मात्रा घटती है, मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वो ऊर्जा घटती है। यानी कि जैसे कोई जानवर जो है 100 किलो घास खाता है तो उसके अंदर एनर्जी जो पैदा होगी वो हो सकता है एक ही किलो हो, लेकिन उसका एक किलो मांस कोई खाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगी 100 ग्राम। इसको चार्ट से समझते हैं तो अब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो चार्ट है इसमें दिखाया गया, सबसे पहले घास है, उसके बाद घास खाने वाले जो जीव हैं, और जीवों को जैसे घास कौन खाता है, मेंढक खाता है, हिरण खाता है, खरगोश खाता है, और उनको कौन खाते हैं, शेर वगैरह खाते हैं, और उनके ऊपर कौन खाते हैं, तो जैसे जैसे ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जो है सर्वाधिक की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ऊर्जा का स्तर घटता जाता है। तो यही ऊर्जा की मात्रा का स्थानांतरण है, यही इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा का क्या हल होता है, तो ह्रास होता है या घटती है। अब आगे चलते हैं, कुछ कंसेप्ट समझ लीजिए, इससे आगे प्रश्न करने में आसानी होगी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। ये सब इकोलॉजी की बात कर रहे हैं और उनकी स्पेशल बातें बता रहे हैं। इकोलॉजी मुख्यतः तीन संगठनों से होती है, इसकी रचना इकोलॉजी की, इसमें ऊर्जा संगठन होता है, जैविक या बायोम संगठक होता है, और अजैविक और भौतिक संगठक होता है। तो ये एनर्जी का कंपोनेंट है, बायोम कंपोनेंट है, और बायोटिक और एबायोटिक है। ये तीन मूल घटक हैं, इनको आपको याद रखना है। दूसरी बात याद रखनी, पारिस्थितिकी तंत्र एक ओपन सिस्टम होता है। तीसरी बात, पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इसकी अपनी उत्पादकता होती है, और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसमें एक चार्ट बना हुआ है परितंत्र के घटक कौन से हैं। तो जैविक और अजैविक घटक हैं, जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आता है, और जैविक घटक में कौन सा आएगा, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक,
इनके चार्ट को आप बहुत ढंग से देख लीजिए, दो चार बार इसको याद करने जरूरी है, क्योंकि इन्हीं चार्टों में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम आपको डिस्कस करेंगे, देखिए कितने सारे क्वेश्चन इसी से ही पूछ लिए जाते हैं, केवल आपको चार्ट याद रहना चाहिए। कार्बनिक गठन में घटक में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और ह्यूमस यूरिया आती है, जबकि अकार्बनिक में क्या है, जल है, मृदा है, वायुमंडलीय गैस है, खनिज है, चट्टान अन्य तत्व हैं। भौतिक घटक में क्या है, प्रकाश है, तापमान है, आर्द्रता है, वायुमंडलीय दाब है, स्थलाकृतियाँ हैं और वायु है। ठीक है, ये परतंत्र के घटक हैं। तो परतंत्र के जैविक और अजैविक घटक आपको याद होने चाहिए, इसको आप एक दो बार देख लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं और भी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू वेरी मच।